मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया। अब तो कहो मेरे सनम फिर कब मिलोगे, मिलेंगे जब हाँ बारिश होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी बिहार न्यूज, मैं हूँ आपके साथ हेमलता। सभी नेता अपनी अपनी बहसबाजी में लगे हुए हैं, चाहे जनता जाए तेल लेने, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जनता वाकई तेल ले रही है। तो आइए जानते हैं कि तेल कितने रुपए लीटर है और क्या है, ये जानते हैं। कितने लीटर है तेल? है 96 रुपए 38 पैसे। 38 पैसा? हाँ 38 पैसा का भी तेल देते हैं? 38 पैसा अब लगा हुआ है। 38 पैसा में कितना तेल देते हैं? 38 पैसा का थोड़ी तेल होता है, तो? वो वैसे जैसे रेट बना हुआ है वैसे जैसे वहाँ फिक्स रहेगा वैसे। 38 पैसा का तेल नहीं देते, पैसा लेते 38 पैसा, तो वैसे ही जैसे रेट रहेगा वैसे ना उसी तरह से मशीन में सेट रहता है। अब जैसे 100 का लिए तो 138 पैसा हुआ ना। अच्छा सर, तेल कितने रुपए लीटर दिए? हम तो राउंड फिगर में 102 रुपए का लिए हैं। सर इतना महंगाई हो गया तेल का, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना क्या चाहिए, सरकार के मनमानी है और क्या बोलना चाहेंगे। पब्लिक का कुछ चलता बनता थोड़े है, जो मन किया रेट बढ़ गया तो बढ़ गया। आप खुश हैं या नहीं है? कैसे खुश रहेंगे, आप सोच सकते हैं हमारी लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कि हम खुश हैं। खुश कैसे रहेंगे, इतना महंगाई हो गया हम खुश हैं? तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि महंगाई पर रोक लगाएं। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तेल लेने हैं सर। कितने रुपए लीटर तेल है? 100 रुपया पहुँच गया है, अब क्या बोलेंगे। तो सर आप लोग खुश हैं कि नहीं है? कौन खुश होगा इसमें, तेल का दाम बढ़ते जा रहा है। हाँ तेल का दाम बढ़ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है पहले। हाँ सरकार का कंट्रोल हुआ करता था पहले, वो लिमिट था, अब नहीं है। तो सर आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि महंगाई कम कीजिए, लॉकडाउन है? महंगाई तो उनको कम करना ही चाहिए, केवल पेट्रोल क्यों, हर चीज़ में कम करना चाहिए उनको। बहुत महंगाई है सर। बहुत महंगाई है। तेल कितने रुपए लीटर है? अभी 96 रुपए 38 पैसे लीटर है। अड़तीस पैसा? तो 38 पैसा का भी पेट्रोल मिलता है? 38 पैसा का नहीं मिलता, 96 रुपए 38 पैसे लीटर पर लीटर। 38 पैसा क्यों? वो सरकार का रेट है। अच्छा सरकार का रेट है। हाँ हम तो आप लोग थोड़ा बहुत कम करके देते होएगा पेट्रोल? नहीं नहीं, जितना मांगे उतना ही मिलेगा। अभी देखिए इसमें रेट लगा हुआ है ना, आप लोग सेटिंग करते होइए? सेट हाँ, इसे फिक्स किया जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत कम भी दे देते हैं। कम कैसे जाएगा, वो तो फिक्स किया होता ही गिरेगा ना, कम ना बेसी कर देते होइए। गलती ना है मेरा, कोई गलती नहीं है, वो संतुष्ट क्यों नहीं है, वो मेजरमेंट है मेरे पास नापने वाला, आप नाप के ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी दिया है हमको नापने के लिए। आप लोग मास्क लगा के क्यों नहीं रहे? कंपनी हम लोगों को दिया है मेजरमेंट, अगर कस्टमर अगर कोई चाहेंगे कि हम पेट्रोल नाप कर लेंगे तो भी मिल जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। गाने गाने वाले तो आइए सुनते, हम भी मजा लेते और आप भी मजा लीजिए इस गाने का। ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया। अब तो कहो मेरे सनम फिर कब मिलोगे, मिलेंगे जब हाँ बारिश होगी, मिलेंगे जब हाँ बारिश होगी। ये मौसम भी गया जी। बहुत महंगाई को लेकर थोड़ा बोल दीजिए। महंगाई के लेकर अभी तो गाना इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको हम ये गाना सुनाएं महंगाई के ऊपर। जी बहुत बहुत 96 रुपए 38 पैसा? 96 38? क्या 96? 96 38? 38 रुपया पैसा? क्या 38 रुपया पैसा? जी क्या पैसा? पैसा तो आप बोलते हैं रुपया। नो तेल हो गया 90, कितना बोले हैं? 96 रुपए 38 पैसा। तो 38 पैसा का भी पेट्रोल ही लोग देते हैं, पूछिए तो जरा। अब तो यहाँ पर नापने वाला कुछ तो है नहीं, जो दिए वही हम लोग सही मान लेते हैं, अब क्या करें। 38 पैसा? हाँ 38 पैसा का तो
वो तो मीटर पर लगाते हैं, जितना मांगते हैं उतना देते हैं, 50 का, 100 का, 150 का। कभी कम भी दिए हैं क्या आपको लगा है कभी? ऐसे तो हम लोग कभी तो ऐसे तो नहीं, संतुष्टि तो नहीं है मिलता है कहीं भी हो। आप लोग गैप करते हैं, घपला करते हैं क्या? प्रॉब्लम बोली, प्रॉब्लम क्या? हम लोग नौकरी चला गया, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में थे हम लोग, क्रैश कर गया हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भाई कार्ड में यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आकर के हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो पेट्रोल है उससे आप खुश है या नहीं, इतना महंगा हो? नहीं नहीं नहीं। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर, आप बता दीजिए। सरकार को अपना जो टैक्सेस है उस पर कस्टमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए, और क्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जनता जो है तेल वाकई ले रही है, और जो जितने भी नेता वगैरह सब अपने बहसबाजी में लगे हुए हैं। तो बने रहे इसी तरह की खबरों के लिए, बने रहे एसजीटी बिहार न्यूज के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें।